सीआईडी के सीजन 2 में सीआईडी इंस्पेक्टर दया और अभिजीत दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा का कारण ही पूर्वी मैम रहती है, जिसके कारण यह दया सर रहते हैं जो सीआईडी ऑफिसर अभिजीत सर से गुस्सा करते हैं, और अभिजीत सर गुस्से में आकर अपना ट्रांसफर लेटर लिख देते हैं और वह ट्रांसफर करवाने के लिए सोचते हैं। वहां पर जब श्रेया मैम को सारी बात पता चलती है तो वह दया सर से बात करते हैं, बोल बताते हैं कि आप ऐसा क्यों लड़ गए अभिजीत सर से जिसके कारण वह ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। यह सब सुन दया सर को भी अपने आप पे अफसोस आता, बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया अभिजीत को कि वह ट्रांसफर लेने जा रहा है, मेरा दोस्त भाई जैसा था, जिसके कारण वह अभिजीत सर से बात करना चाहते हैं। पर वहां पर एसपी प्रद्युमन सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा तो पर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए क्यों? पर वहां पर अभिजीत सर कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि मुझे ट्रांसफर करवाना है, जिसके कारण श्रेया मैम को बहुत ही गुस्सा आता है। वहां पर दया सर को बोलते हैं आई हेट यू दया सर। वहां पर दया सर भी यह सोचने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वहां पर एसपी प्रद्युमन सर एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल रहता है जो कि पूरे देश को तबाह करने वाला होता है। वहां पर सीआईडी ऑफिसर दयास और अभिजीत सर दोनों का एक केस सॉल्व किया जाता है। केस सॉल्व करने के दौरान वहां पर सीआईडी ऑफिसर अभिजीत सर और दयास सर दोनों बहुत बहादुरी से केस को सॉल्व करते हैं। जब यह केस खत्म होता है तो वहां पर सीआईडी ऑफिसर दया सर अभिजीत सर से माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि तुम यह ट्रांसफर लेटर जो साइन किया है वह फाड़ के बिक दो, तुम्हें ट्रांसफर नहीं करवाने दूंगा, जिसके कारण वहां पर दया सर को बोलते हैं अभिजीत सर कि तुम ही तो चाहते थे मैं ट्रांसफर अपना करवा लिया हूँ, वहाँ हो जाएगा। वहां पर एसपी प्रद्युमन सर आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम और हम दोनों जब तक रहेंगे जब तक ही केस सॉल्व होगा, जिसके कारण अभिजीत सर और एसपी प्रद्युमन सर और दया सर फिर से मिल जाते हैं। वहां पर श्रेया मैम जो गुस्सा दया सर पे दिखाती थी, वहां पर श्रेया मैम भी दया सर को सॉरी बोलती है, और दया सर और श्रेया मैम फिर से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, और दया सर और श्रेया मैम दोनों की शादी की बात चलने लगती है। सीआईडी ऑफिसर दया सर को जब यह पता चलता है कि मेरी और श्रेया की शादी की बात चल रही है, जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दया सर बहुत ही खुश होते हैं। वहां पर अभिजीत सर आ जाते हैं और अभिजीत सर इस बात को लेकर मजल करने लगते हैं। वहां पर दया सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं भाई, चुप रहो अभी। वहां पर श्रेया मैम चली जाती है और अभिजीत सर और दया सर दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहां पर श्रेया मैम, डॉक्टर तारिका मैम और पूर्वी मैम तीनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहां शॉपिंग के दौरान ऐसा होता है कि सीआईडी ऑफिसर तारिका के सर पे एक डंडा मार दिया जाता है, जिसके कारण तारिका बेहोश हो जाती है। वहां पर जब वह शोरूम में जाते हैं, सीआईडी ऑफिसर दया सर और अभिजीत सर के साथ भी ऐसी घटना घटती है, जिसके कारण वहां पर सीआईडी के टीम सोचने लगते हैं कि कौन ऐसा कर सकता है। वहां पर जो एक मैनेजर रहता है वही सारे आदमी के सिर पर डंडा मार के पैसे लुटता था। वहां पर सीआईडी ऑफिसर दया सर और अभिजीत सर रहते हैं, उस मैनेजर को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसे घिनौने काम करते हो, थोड़ा भी अफसोस नहीं आया? तुम जानते हो तुम एक गरीब का पैसा लूट के अपनी रोजगारी करते हो। तो आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है, जिसके कारण सीआईडी ऑफिसर दयास और अभिजीत सर उसे ले जाकर करीबन जेल में 6 साल बाद छूटता है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।